जय श्री राम दोस्तों, ये जो आप मंदिर देख रहे हो 200 साल पुराना है और ये जो सजावट देख रहे हो ये हमने 21 तारीख को की थी और इसका वीडियो नहीं बना सके थे तब हम, और आज हमने फाइनली नाइट को बनाया हुआ है। ये हम नाइट को शूट कर रहे हैं और कैसी लगी हमारी मेहनत प्लीज़ कमेंट में एक बार ज़रूर बताना। और जो आप देख रहे हो कि ये श्री राम जी का नाम है, ये हमने अपने हाथों से बनाया था और ऊपर जो बाण लगा हुआ है राम जी का वो भी हमने अपने हाथों से बनाया था, तो हमारी मेहनत के लिए एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। और ये जो मंदिर देख रहे हो ये करीबन 200 साल पुराना है। अभी फ़िलहाल में इसमें आरती चल रही है, जो हम संध्या के समय आरती करते हैं वो चल रही है और हम फिर शूट कर रहे हैं इस वीडियो को, आपको दिखा रहे हैं कि ये जो मेहनत है वो हमने 2 दिन में पूरी की थी और अब फाइनली इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हो, और आप बताना कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और आरती के समय इसमें देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और ऐसे ही ये रोज़ सजता है संवारता है ये मंदिर, लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है इसके साथ। और ये जो डेकोरेशन देख रहे हो ये हमने अपने हाथों से की थी, 2 दिन का टाइम लगा था, हमने पूरी मेहनत करके किया था, लेकिन किसी कारणवश ये वीडियो नहीं आ सका, उसके लिए सॉरी। और आप देख के बताना कैसा लगा कैसा नहीं। कुछ वीडियो हम पहले की दिखा रहे हैं जो हमने अपने हाथों से बनाया था तब की दिखा रहे हैं, और प्लीज़ उनको देख के और बताना कि कैसी थी कैसी नहीं थी, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम आगे बढ़ सकें। और प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि हम आगे। जाट का पेड़ है और ये कितना बड़ा है आप देख सकते हो, और इसकी शाखाएं कितनी फैली हुई है, ये 200 साल से भी पुराना बताया गया है। और इसका मंदिर का निर्माण किया गया था तब ये छोटा सा पेड़ था, और उसके बाद में देखो कितनी बड़ा हो गया है, और अभी तक इससे कोई खतरा नहीं हुआ है, ना ही आने वाले को ना ही इसमें जो परिवार रहता है इसके नीचे उसको खतरा हुआ है। और बताया जाता है कि आज तक इसमें से एक टहनी भी नहीं टूटी है, और आप देख सकते हो कितनी बड़ी शाखा है। इसकी सजावट करने के लिए हमें इसकी खुद से छोटी छोटी शाखाएँ काटी थी, और ये मतलब कि सर्दियों में जो पत्तियाँ गिरती है इसके लिए इसको थोड़ा सा हल्का किया गया है, क्योंकि ये बहुत हैवी हो गया था और बहुत पुराना था, तो हमने बड़ों से पूछ के और फिर इसको थोड़ा सा हल्का किया है। और डेकोरेशन में भी थोड़ा दिक्कत ना करे इसलिए हमने इसको थोड़ा हल्का किया था, और जिस दिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी उसी दिन किया था, लेकिन किसी कारणवश हमने वीडियो शूट नहीं किया था, हमने सजावट तो कर दी थी लेकिन शूट नहीं कर सके, और फाइनली आज हमने शूट कर लिया है। और आप बता सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है, और हमारा मोटिवेशन बढ़ाता रहे। इतनी मेहनत के लिए हमें एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब तो कर सकते हो, और हमारा इसी तरह मोटिवेशन बढ़ाते रहे। जय श्री राम।